आपको किसी ने कहा आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपने रियलाइज किया कि आप वॉइस ओवर का काम कर सकते हैं, आपने फिर वीडियो देखे। इनफैक्ट मेरे ही चैनल पर एक वीडियो है हाउ टू सेट अप अ होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आपने होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो का पूरा सेटअप भी कर लिया, आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने वॉइस ओवर्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी कर ली। अब आपको चाहिए वॉइस ओवर का काम। बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट ये वीडियो तो बनाते हैं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन कैसे सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि एक्चुअली वॉइस ओवर का काम आपको मिलेगा कैसे। मेरे इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कहां पर आप वॉइस ओवर का काम ढूंढ सकते हैं या आपको मिल सकता है। बेस्ट साइट्स और ब्लॉग्स टू फाइंड वॉइस ओवर वर्क। हाय, आई एम आकांक्षा। मैं एक ऑडियो वीडियो आर्टिस्ट हूं, मैं एक फुल टाइम फ्रीलांसर हूं। ऑडियो आर्टिस्ट मतलब मैं एक वॉइस एक्टर भी हूं और वॉइस आर्टिस्ट भी हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ऐसी कौन सी टॉप साइट्स हैं जिनके थ्रू आप काफी अच्छा वॉइस ओवर का काम अर्न कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ एक प्रॉपर होम स्टूडियो सेटअप चाहिए। होम स्टूडियो सेटअप कैसे करना है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसका लिंक जो वीडियो मैंने बनाया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, और यहां पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो कैसे सेटअप किया जा सकता है। आज के वीडियो में ये बताने से पहले कि कौन सी वो बेस्ट वॉइस ओवर की साइट है जहां पर आपको वॉइस ओवर वर्क मिल सकता है, मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब मैंने एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट शुरुआत की थी तो मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि मैं एक रेडियो जॉकी थी। मैं आज भी एक रेडियो जॉकी हूं, मैं एक कॉर्पोरेट चैनल के साथ में काम करती हूं, तो इसीलिए मेरे ऑलरेडी काफी सारे कनेक्शंस बन चुके थे। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स थे, स्टूडियोज थे जिन तक मेरी आवाज पहुंच चुकी थी, एंड दे ऑलरेडी न्यू कि मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। वॉइस एक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट में फर्क ये होता है कि जनरली जो डबिंग करते हैं वो वॉइस एक्टर कहलाते हैं, और जो नरेशन का काम करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कमर्शियल, रेडियो स्पॉट्स, ई लर्निंग। तो मेजरली जो वॉइस नरेशन का काम करते हैं वो वॉइस आर्टिस्ट कहलाते हैं। मैं क्योंकि दोनों ही करती हूँ, डबिंग भी करती हूँ और वॉइस आर्टिस्ट का काम भी करती हूँ, इसलिए मैं दोनों तरीके के काम कर लेती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी वो वेबसाइट्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने जब अपना होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप कर लिया तो आपके उसी सेटअप से आप कुछ 5-6 अच्छे वॉइस ओवर सैंपल, जो भी लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी है, इंग्लिश, हिंदी, कोई रीजनल लैंग्वेज, कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज, या फिर इंग्लिश अगर आप किसी एक्सेंट के साथ बोल सकते हैं जैसे कि यूएस एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, या फिर और भी बहुत तरीके के एक्सेंट होते हैं इंग्लिश में, अगर किसी में भी अगर आपकी प्रोफिशिएंसी है या आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें अपने सैंपल्स तैयार कीजिए। MP3 फॉर्मेट में आपके सैंपल होने चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपके सैंपल जो है ये रॉ हो, यानी कि उनको प्रोसेस मत कीजिए, उस पर कोई इफेक्ट मत डालिए और कोई म्यूजिक भी मत डालिए। इस तरह के आपके पहले तो आपको सैंपल्स तैयार करके रखने हैं। दूसरी चीज, अब बताती हूँ मैं आपको जगह जहां से आपको वॉइस ओवर का काम मिल सकता है। सबसे पहले फेसबुक ग्रुप्स, ऐसे बहुत सारे फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं जहां पर आप उनको ज्वाइन कीजिए, और वहां पर हर रोज लोग पोस्ट डालते हैं वॉइस ओवर वर्क की। इसमें सबसे बड़ा बस माइनस पॉइंट ये है कि वहां पर बजट बहुत लो डालते हैं। अगर तो आप एक बडिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं तो आपको थोड़ा सा बजट पे कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ अच्छे अच्छे सैंपल्स और वॉइस ओवर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप मिड लेवल के या एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि वो जो पोस्ट डाली है वो किसने डाली है, वो कितनी ऑथेंटिक है। और ऐसे जब भी पोस्ट के साथ आप काम करते हैं तो एडवांस पेमेंट के साथ काम कीजिए। बिना एडवांस पेमेंट के साथ काम बिल्कुल मत कीजिए, ये मैं आपको बहुत वार्निंग के तौर पर कह रही हूँ। चाहे आपको कम काम मिले लेकिन काम उन्हीं के साथ कीजिए जो कि आपको एडवांस दे के काम करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा बजट पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। ये जो वॉइस ओवर के ग्रुप हैं, अगर आपको ढूंढने हैं फेसबुक पे तो फेसबुक पे जाइए, आपके ग्रुप सेक्शन में जाइए, वहां पर टाइप कीजिए वॉइस ओवर, बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, उसमें जो ग्रुप आपको एकदम सही लगते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट होगी freelancer.com। freelancer.com अगर आपने सुनी है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुनी है तो आज ही गूगल करके देखिए। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे मेंबरशिप फी बहुत कम है, तकरीबन 60 या 70 रुपए महीना इसकी मेंबरशिप फी है, जिसमें आपको 15 बिडिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। उससे आप अलग अलग क्लाइंट्स को आप वॉइस ओवर के लिए बिड कर सकते हैं। एक ध्यान रखिएगा
कि freelancer.com को आपको कैसे यूज करना है। इसके लिए अगर आप थोड़े कंफ्यूज हैं तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, हाउ टू यूज freelancer.com ट्यूटोरियल, आप वो चेक कर सकते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे इस वेबसाइट को यूज करना है। तीसरी वेबसाइट आएगी, एक्चुअली मैं इस पर कहना चाहूंगी कि अपवर्क और फाइवर, इन दोनों को मैं एक लेवल पे रखती हूँ क्योंकि अपवर्क और फाइवर पर, दोनों ही पर आपको वॉइस ओवर का बहुत अच्छा काम मिलेगा। माइनस पॉइंट फाइवर का ये है कि इनकी टैगलाइन ही यही है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट एट $5, जो कि बहुत ही लो प्राइस है, बहुत ही लो प्राइस है। अगर $5 आपको सुनने में ऐसा लग रहा है कि डॉलर है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, $5 इज अ वेरी लो प्राइस। तो वहां पे आपका एक मिनिमम प्राइस $10 $20 सेट करके रखिए। फाइवर से आप बहुत अच्छा काम ले सकते हैं। फाइवर का माइनस पॉइंट ये है कि वहां पर आपको बहुत मिसलिनियस तरीके के जॉब मिलते हैं, वॉइस ओवर से रिलेटेड काम कम आता है, लेकिन अगर एक बार आपका प्रोफाइल सेट हो जाता है और वो बार बार विजिबिलिटी में आने लगता है तो आपको काफी अच्छा काम मिलेगा। अपवर्क, अपवर्क इज अ वेरी वेरी गुड फ्रीलांसिंग वेबसाइट जहां पर आपको वॉइसिंग का काफी अच्छा काम मिलेगा। माइनस पॉइंट अपवर्क का ये है कि हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश जो कि इंडियन एक्सेंट वाली है, इसके वॉइस ओवर्स कम आते हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी और एक्सेंट में प्रोफिशिएंट हैं, जैसे कि यूएस एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, तो आपको काफी सारा काम मिलेगा। लेकिन फिर भी अपवर्क पे भी काफी सारा वॉइस ओवर का वर्क अवेलेबल होता है। आपको अपना प्रोफाइल सेटअप करना है, अपने जो सैंपल्स मैंने बताए वो अपलोड करने हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए लेकिन आपको धीरे धीरे काम मिलने लगेगा। अपवर्क के साथ एक अच्छा बात ये होती है कि अपवर्क आपको स्टार्टिंग में तकरीबन 40 या 60 क्रेडिट कॉइन्स देता है। उस 40 या 60 क्रेडिट कॉइन्स से आप जितने भी प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं उस पर आप बिड कर सकते हैं। अच्छा फायदा ये होता है कि जैसे ही किसी प्रोजेक्ट पे आपने बिड किया है और उस पर वो जो बायर है वो आपको रिप्लाई करते हैं, यानी कि चैट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं, जो कि अपवर्क में होता है इंटरव्यू कॉल, तो वैसे ही 10 क्रेडिट कॉइन आपके क्रेडिट में आ जाते हैं। इससे आपका जो क्रेडिट कॉइन कॉइन्स का क्रेडिट है वो बना रहता है और आपको मेंबरशिप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी आप अपवर्क पे अपना प्रोफाइल अगर मेंबरशिप पे लेते हैं तो उसके कुछ और बेनिफिट्स हैं। इसमें मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है हाउ टू यूज अपवर्क, वो आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वेबसाइट पे। नेक्स्ट वेबसाइट बताने से पहले याद रखिएगा वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं जो वेबसाइट आपको बताने वाली हूँ वो वर्ल्ड की नंबर 1 वॉइस ओवर वर्क की वेबसाइट है और उस पे वॉइसिंग का काम बहुत अच्छे प्राइस पर अवेलेबल होता है। इसके बाद हम आते हैं, इस वेबसाइट का नाम है बोडालगो, BODALGO, अगर इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं तो आई एम श्योर, लेकिन मैं स्पेलिंग बता रही हूँ आपको, BODALGO। ये एक जर्मनी बेस्ड वेबसाइट है bodalgo.com, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, इस पर भी आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। और इनका थोड़ा वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, वेरिफिकेशन प्रोसेस जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे आपका जो प्रोफाइल है वो अप हो जाएगा। इस पर भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं, अगर मेंबरशिप नहीं लेते हैं तो भी आपको जो फ्री मेंबरशिप है उसके तहत, उसके थ्रू भी आप काफी सारा काम ले सकते हैं। हालांकि ये जर्मनी बेस्ड है तो इस पर हिंदी, इंडियन एक्सेंट वाली इंग्लिश, इसके वॉइस ओवर काम कम आता है, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि अगर आता है तो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं काम मिलने के। ये वेबसाइट मैंने भी अभी नई ही एक्सप्लोर की है, बहुत ज्यादा मैंने इसको एक्सप्लोर करके देखा नहीं है तो बहुत ज्यादा रिव्यू नहीं दे पाऊंगी इस पर। नेक्स्ट जो वेबसाइट मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ वो है kovoco.co। ये एक पुणे बेस्ड वेबसाइट है, इंडिया की वेबसाइट है, kovoco.co। ये एक इंडिया बेस्ड वेबसाइट है, पुणे की वेबसाइट है, तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें बहुत सारे इंडियन बायर्स हैं जिनको कि इंडिया की रीजनल लैंग्वेज में, इंडिया इंडियन इंग्लिश में और या फिर हिंदी में, इनमें वॉइस ओवर्स चाहिए होते हैं। इस वेबसाइट पर भी आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। इनका भी वेरिफिकेशन प्रोसेस 2-3 दिन का टाइम लेता है। जब आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं, अपना ऑडियो अपलोड करते हैं तो ये आपका प्रोफाइल वेरीफाई करने में 2-3 दिन लेते हैं, लेकिन जब आपका प्रोफाइल अप हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तो आप इस पे जो क्लाइंट्स हैं उनको डैशबोर्ड, जो क्लाइंट्स हैं एक्चुअली वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं आपका प्रोफाइल देख के, और फिर आपको स्क्रिप्ट भेजते हैं, आपसे छोटा सा ऑडिशन मंगाते हैं, अगर अप्रूव होता है देन यू गेट द वर्क। ओके, सो अब तक मैंने आपको बता दी। अब बढ़ते हैं हम, जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है Voices123। ये एक तरीके से मान लीजिए कि वर्ल्ड की सेकंड नंबर की, सेकंड रैंक्ड वॉइस ओवर वर्क वेबसाइट है। फर्स्ट जरूर बताऊंगी आपको, सेकंड नंबर की है और इस पर बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं वॉइसिंग के लिए,
और अगर आपकी इंग्लिश न्यूट्रल एक्सेंट की है, क्लियर प्रोनंसिएशन है, तो आपके लिए बहुत सारा काम इस पर है। इसमें बहुत सारा कैरेक्टर आर्टिस्ट डबिंग से रिलेटेड काम भी है, खास करके हिंदी में, तो आप ये वेबसाइट भी ट्राई कर सकते हैं। इस वेबसाइट का जो एक माइनस पॉइंट है वो ये है कि इसमें अगर आप फ्री मेंबरशिप में हैं, यानी कि एज अ गेस्ट अपना प्रोफाइल बनाते हैं, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट पे बिड नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसका माइनस पॉइंट ये है कि इसमें जो मेंबरशिप फी है वो काफ़ी हाई है। इसकी मेंबरशिप फी जो है वो शुरुआत होती है कुछ $40 महीना से, ओके, और लेकिन जो बेस्ट मेंबरशिप फी रहेगी वो है $350 पूरे साल की, जो ये एक्चुअली आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन मैंने इनकी और थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि $40 या $49 पर मंथ की जो इनके मेंबरशिप फी है पर मंथ की, वो भी आप ले सकते हैं। अब अगर तो आप ये मेंबरशिप फी अफोर्ड कर सकते हैं तो ये प्रोफाइल आपके लिए, ये जो वेबसाइट है आपके लिए बहुत अमेजिंग है। लास्ट वेबसाइट जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है, वो है voices.com। वर्ल्ड की नंबर वन वेबसाइट है वॉइस ओवर वर्क के लिए। voices.com पर आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे, ये आपका प्रोफाइल अप्रूव करने में तकरीबन 2 से 3 दिन लेते हैं। इनका काफ़ी स्ट्रिंजेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है। वो वेरिफिकेशन प्रोसेस करने के बाद आपको एक्चुअली आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव करवाना होगा, आपका एड्रेस अप्रूव करवाना होगा, एंड उसके बाद इनके पास अगेन सेम 2 ऑप्शन होते हैं। एक फ्री मेंबरशिप। फ्री मेंबरशिप में कोई भी क्लाइंट अगर आपका प्रोफाइल देखता है तो वो आपको, अगर आपकी आवाज़ उनको पसंद आती है तो वो आपको इनबॉक्स कर देंगे ऑडिशन के लिए स्क्रिप्ट, जिस स्क्रिप्ट का ऑडिशन करके आपको भेजना होगा छोटा सा सैंपल, और अगर अप्रूव होता है तो वो आपको काम अलॉट करेंगे। नहीं तो आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बिड नहीं कर सकते हैं अगर आप फ्री मेंबरशिप में हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अगर इतनी अच्छी वेबसाइट है तो चलिए इसकी मेंबरशिप ले लेते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी मेंबरशिप जो है वो है $500 साल के, $500 साल के, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। 5730 लाइन, यानी कि अराउंड 30-35,000 से भी ज़्यादा का अमाउंट हो जाता है पूरे साल भर का, वो आपको इस पर देना होगा और तब आपको इसकी मेंबरशिप मिलेगी, तब जाके आप प्रोजेक्ट्स पे बिड कर पाएंगे। ये मैंने आपको बहुत मेजर वेबसाइट्स बताई हैं जिन पे आपको वॉइस ओवर का काम मिल सकता है। अगर आप एक बडिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, एक इंटरमीडिएट, यानी कि अभी आपको काम करते हुए 3-4 साल हो चुके हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन सभी वेबसाइट्स पे आप फ्री प्रोफाइल बनाइए अपना, एंड पेशेंटली देखिए कि कैसे आपकी जर्नी इस पे जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है इंडिया की जिसे अक्सर लोग बिल्कुल अंडरमाइन कर देते हैं, naukri.com। naukri.com पे आप क्लिक कीजिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट कीवर्ड के साथ में, कुछ 2-3 आपके शहर के जो वॉइस ओवर के काम होंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे। यह 2020 के बाद वॉइसिंग का काम, ऑडियो का काम बहुत ज्यादा बूम पर है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें ऑडियो और वीडियो में प्रोड्यूस करा रहे हैं, जो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए एक बहुत अच्छी बात है। naukri.com पे सर्च करके देखिए कीवर्ड से, कुछ इक्का दुक्का आपके शहर के ऑप्शंस आपको जरूर मिलेंगे। इसके अलावा लिंक्डइन पर भी जॉब में कीवर्ड में डालिए वॉइस ओवर या वॉइस ओवर आर्टिस्ट, उससे भी आपको 2-4 ऑप्शन जरूर मिलेंगे। देखिए मैं ये सारे ऑप्शंस आपको बता रही हूँ जिन पे आप ट्राई कर सकते हैं। मैं 100% नहीं कह सकती हूँ कि इन पे आप ट्राई करेंगे और आपको एकदम जॉब मिली जाएगा या काम मिली जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे ऑप्शंस मैंने अपनी लाइफ में ट्राई किए हैं, तब जाकर आज मेरे पास एक बहुत ही कंसिस्टेंट काम है। हाँ, अगर आप इंडिया के अलग अलग स्टूडियोज जहाँ पर डबिंग का नहीं, एकदम सिर्फ वॉइस नरेशन का काम होता है, वो देखना चाहते हैं तो एक और सर्च आप कर सकते हैं। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग स्टूडियो, आपके शहर के जो स्टूडियोज होंगे वो आ जाएंगे, उनके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे वो आपको मिल जाएंगे। उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको बताइए कि आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, उनसे उनका ईमेल एड्रेस लीजिए, अपनी वॉइस रील उनको भेजिए, और हो सकता है कि वहां से भी आपको काम मिल जाए। मैंने आपको वो सारे तरीके बता दिए हैं जो मेरे वॉइस एक्टिंग के करियर में मैंने ट्राई किए हैं वॉइस ओवर वर्क के लिए। इनमें से कोई ना कोई एक तरीका आपके काम जरूर आएगा, और अगर आए तो प्लीज मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा जब भी आए इस वीडियो के नीचे कि मेरे एक तरीके से आपको एक वॉइस ओवर का काम जरूर से मिला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और एज अ फ्रीलांसर आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो अगर आपको सेटअप करना है, कितने तरीके के वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं,
ये सारी जानकारी अगर आपको लेनी है तो मेरी जो प्लेलिस्ट है फ्रीलांसिंग, उसको ज़रूर से देखिएगा। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं और फ्रीलांसिंग में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं इसके बहुत सारे इंसाइटफुल वीडियोस मैंने आपके लिए वहां पर अपलोड किए हैं। डू वॉच दैम, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।